तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगलों में यूज की जाने वाली कुछ ऐसे मशीन्स जिसने ट्री हार्वेस्टिंग के काम को पहले के मुकाबले काफी हद तक आसान बना दिया है। दोस्तों जब भी हमें बड़े पैमाने पर जंगलों की साफ सफाई करनी होती है तो तब वहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक भारी चेन को दो ताकतवर व्हीकल के बीच में लगाकर जंगलों के बीच चलाया जाता है, जिससे चेन के बीच में आने वाली सभी छोटे मोटे पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और इस तरह जंगलों की साफ सफाई बहुत ही तेजी से हो जाता है। दोस्तों पेड़ को काटने के बाद उसे लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम पेड़ को काटते हैं, उसके बाद उसकी छोटे छोटे टहनियों को काटकर साफ सफाई करते हैं और फिर हम पेड़ को काटकर लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन ये मशीन उसी काम को बहुत हद तक आसान बनाता है, जिससे सेकेंडों में एक पेड़ को काटकर लॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मशीन पहले सीधी पेड़ को जड़ से काटता है, उसके बाद पेड़ की छोटे छोटे टहनियों को काटकर साफ सफाई करते हैं और फिर पेड़ को काटकर लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें लगभग एक मिनट तक का भी समय नहीं लगता है और पेड़ को लॉक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत फास्टली हो जाता है। आमतौर पर आपने पेड़ को काटने वाली मशीन में पेड़ को काटने के लिए कटिंग ब्लेड लगे हुए देखे होंगे, जिसे चलाने के लिए स्पाइनिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है। लेकिन ये मशीन पेड़ को काटने के लिए ऐसी कोई भी मैकेनिज्म यूज नहीं करता है, बल्कि मशीन अपने अंदर लगे दो चॉपिंग ब्लेड के बीच में पेड़ को चाप कर काटते हैं। ये मशीन ब्लेड को चापने के लिए हाइड्रोलिक पावर का यूज करते हैं, जिससे मोटी से मोटी पेड़ भी आसानी से कट जाते हैं और इस तरह पेड़ को काटने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इस मशीन का काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस मशीन के पास एक बहुत ही खास फीचर है जो इस मशीन को पहले के मुकाबले 3 गुना फास्ट बनाता है। जी हाँ, ये मशीन एक साथ कई पेड़ों को काट सकता है। ये मशीन एक पेड़ को काटने के बाद उस पेड़ को अपने हाथ में लॉक कर लेता है और दूसरा पेड़ काटने के लिए चला जाता है, और जब इनका हाथ भर जाता है तब ये सभी पेड़ों को एक साथ रख देते हैं। ऐसे में ये मशीन समय को काफी तेज पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों जब भी हमारे घरों की आसपास की पेड़ घर के ऊपर आ जाते हैं तो हमें उस पेड़ की डालियों को काटना पड़ता है, जिसके लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन का हाथ बहुत लंबा होता है, जिससे यह मशीन ऊंची से ऊंची पेड़ की डालियों को भी काट सकता है। इस मशीन में लगे तेज धार वाली ब्लेड पेड़ की डाली से टच करते ही कट जाते हैं और हम इंसानों को पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों जंगलों में जहाँ पर बहुत से पतली पतली पेड़ होते हैं और हमें वहाँ का साफ सफाई लार्ज स्केल पर करना हो तो वहाँ पर इस मशीन का यूज की जाती है, जो पेड़ों को गन्ने के भांति बहुत ही तेजी से काटते जाते हैं। जिस प्रकार आड़ी में चेन के माध्यम से लकड़ी काटी जाती है, ठीक उसी प्रकार इस मशीन में भी पेड़ को काटने के लिए चेन लगी होती है, जो बहुत बड़ा होता है, और जो भी पेड़ चेन की चपेट में आता है वो कट जाते हैं और कटे हुए पेड़ों को पीछे की तरफ निकाल देते हैं। दोस्तों जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में 11,000 वोल्ट से लाख वोल्ट तक का बिजली ट्रांसमिट होता रहता है, वहाँ के आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 11,000 से अधिक वोल्टेज पेड़ पौधों के माध्यम से नीचे जमीन तक आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। अब यदि कोई जमीन पर रहकर वहाँ की आसपास की डालियों को काटने की कोशिश करेगा तो शॉक लगने का खतरा काफी ज्यादा होगा। इसी काम को करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। हेलीकॉप्टर में रस्सी से एक कटिंग मशीन को बांध देता है, जिसमें 10 कटिंग ब्लेड एक साथ लगे होते हैं, और कटिंग के दौरान इन ब्लेड्स के बीच में आने वाली सभी पेड़ की कट जाते हैं और इस तरह बिजली का शॉक भी नहीं लगता है। दोस्तों जब भी हम बीच घने जंगल में किसी पेड़ को काटते हैं तो हम पेड़ तो काट लेते हैं, लेकिन घने जंगल होने के कारण उस पेड़ को वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे में वहां से पेड़ को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल की जाती है। पेड़ को काटने से पहले पेड़ को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से बांध देता है, और जैसे ही पेड़ कट जाते हैं तो हेलीकॉप्टर तुरंत पेड़ को ऊपर उठा लेते हैं और सही जगह पर लाकर रख देते हैं। दोस्तों अक्सर हम जंगलों में पेड़ काटने के बाद उसकी जड़ों को वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पेड़ की लॉक से ही काम रहता है, उसकी जड़ से नहीं, और जड़ को उखाड़ने में काफी मेहनत और समय भी लगता है, जिसके कारण हम उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना जंगलों के एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में पेड़ की जड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिसकी बाज की तरह चोंच सख्त से सख्त जड़ों को भी उखाड़ फेंक सकता है। अब जहाँ पर ये मशीन उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पर पेड़ की स्टम्प को मिटाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिससे पेड़ों की जड़ को रगड़ कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और पेड़ का जड़ मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी काम को करने के लिए इस मशीन का भी यूज की जाती है, जिसमें लगे दो ब्लेड पेड़ की स्टम्प को ड्रिल मशीन की तरह अंदर तक खदेड़ कर जड़ का नामो निशान तक मिटा देते हैं।
दोस्तों जब भी हमें जंगलों की कुछ जगह को खाली करना होता है और हमें उस जगह पर मौजूद पेड़ पौधों का कोई काम नहीं होता है तो वहाँ पर उन पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिससे चंद सेकंडों में ही पेड़ को रगड़कर मिट्टियों में मिला देते हैं। इस मशीन में एक विशेष प्रकार का रोलर ब्रश लगे होते हैं, जिससे मशीन जिस पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं वो पेड़ काफी तेजी से घिसकर नीचे गिर जाते हैं और इस तरह जंगलों का सफाया बहुत ही तेजी से हो जाते हैं। दोस्तों इस मशीन का काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जमीनी साफ सफाई के लिए की जाती है। ये मशीन अपने आगे आने वाली पेड़ पौधों को घिसकर काट देते हैं और वहाँ की जमीन का सफाया कर देते हैं। ये मशीन पहले पेड़ को रगड़कर नीचे गिराते हैं, उसके बाद अपने अंदर लगे रोलर ब्लेड से उन पेड़ को घिसकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चाहे वो मोटी से मोटी पेड़ हो या फिर पेड़ की जड़, सब इस मशीन के अंदर चटनी बन जाते हैं। दोस्तों आजकल पेट्रोलियम फ्यूल की महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत से देश पेट्रोलियम फ्यूल को छोड़कर बायोफ्यूल पर डिपेंड हो रहा है, जिसमें हमारी देश इंडिया भी शामिल है। बायोफ्यूल एक तरह का फ्यूल है जिसका उत्पाद बायोमास यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक पेड़ पौधे और अनाज से होता है, जिसके अंदर हाईली फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जिसमें लकड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब लकड़ी में से फ्यूल निकालने के लिए पहले लकड़ी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए इस मशीन का यूज की जाती है, जो मोटी से मोटी पेड़ को भी अपने अंदर निकलकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर निकाल देते हैं। अक्सर जंगलों में हार्वेस्टिंग के वक्त लकड़ी की लॉक्स को ट्रक से उतारना और लोड करना बहुत होते हैं। अब हम इंसान एक बारबल तो उठा नहीं सकते हैं, इतना भारी लॉक्स कैसे उठाएंगे? वेल, इसी काम को करने के लिए इस मशीन का यूज की जाती है, जिससे 7 से 8 लॉक्स एक साथ आसानी से उठाया जा सकता है। इस मशीन का यूज करने के लिए ड्राइवर को VR टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इस मशीन का हाथ बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को आगे का दृश्य दिखाई नहीं देता है, और VR को यूज करने के बाद ड्राइवर आसानी से आगे का दृश्य देख सकता है। दोस्तों जब भी हम अपने घरों के आसपास कोई पेड़ लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगाना पड़ता है, जिसे बड़ा होने में काफी सालों का प्रोसेस लगता है और हमें अपनी घरों के एनवायरनमेंट हरा भरा देखने के लिए काफी सालों तक वेट करना पड़ता है। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया वेट करने का नहीं है, बल्कि टाइम से तेज चलने का है। जी हाँ, इंसानों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार अपनी टाइम को बचाने के लिए तो किया है। ये मशीन हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकियों में कर देगा। जी हाँ, ये मशीन बड़े से बड़े पेड़ को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है। इस मशीन का एक खुरपनुमा ढांचा पेड़ की चारों तरफ की मिट्टियों को गहराई तक खोदकर पेड़ को उठा लेते हैं, जिससे पेड़ की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और अपना मनचाहा जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा जंगलों में यूज किए जाने वाले कुछ मशीन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।